नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूपटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और बारिश बहुत ही अच्छे से हो रही है अभी। तो इस बारिश में मेरे जो अपराजिता के प्लांट है वो कैसे फ्लावरिंग कर रहे हैं और अपराजिता प्लांट पे फ्लावरिंग ना होने का कारण भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये क्वेश्चन है कि उसके अपराजिता प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रहे हैं, तो इसके बारे में ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कॉमेंट्स ज़रूर कीजिए, उसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अपराजिता के बहुत सारे प्लांट हैं मेरे गार्डन पे। मैं एक बार एक प्लांट लाया था वाइड वेराइटी और उसके बाद मेरे गार्डन पे अभी बहुत सारे प्लांट्स हैं वाइड वेराइटी के, और जो ब्लू वेराइटी होते हैं उसके तो मैं प्लांट्स कभी भी मेरे गार्डन पे लेके नहीं आया था, लेकिन अभी मेरे गार्डन पे ब्लू वेराइटी के भी बहुत सारे प्लांट्स अपने आप ही उग चुका है। तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट्स है, लो केयरिंग प्लांट है और ट्रॉपिकल इलाकों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। ये एक वाइन टाइप प्लांट है, तो आप इसको छोटे से पॉट पे हैंगिंग करके रख सकते हो और आप इसको बेलकोनीज पे भी ग्रो कर सकते हो। दोस्तों अपराजिता को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिंगल पेटल और डबल पेटल दो वेराइटीज़ पे अपराजिता प्लांट मिलते हैं। मेरे पास सिंगल पेटल के प्लांट है और इसके वाइट ब्लू जैसे कलर्स के वेराइटीज़ मिलते हैं और दोनों कलर के वेराइटी ही मेरे पास अभी है। तो इसे आप 6 से 10 इंच के पॉट के अंदर ग्रो कर सकते हो। अपराजिता प्लांट पे फ्लावरिंग ना आने का जो मेन रीज़न है वो है सनलाइट की कमी। आप प्लांट को फुल सनलाइट पे रखिए तो देखिए आपके प्लांट पे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग शुरू होंगे। अगर आपके प्लांट फुल सनलाइट पे है उसके बाद भी आपके प्लांट पे अगर फ्लावरिंग ना आ रहा है तो उसके लिए आप प्लांट पे थोड़ा सा DAP और पोटास का मिक्स दे दीजिए, तो कुछ दिनों के अंदर ही आपके प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे सीड से ग्रो करना चाहते हो तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखिए सीड्स बना है प्लांट पे और इसके अंदर देखिए बहुत सारे सीड्स है। तो इस सीड्स को आप सिर्फ सैंड में या फिर सॉइल के अंदर लगा दीजिए तो कुछ 10 से 15 दिन के अंदर नए प्लांट्स बन जाते हैं। दोस्तों बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है, कभी भी पेस्ट का अटैक इसके ऊपर नहीं होता है और ये पूरे साल भर रहते हैं आपके गार्डन पे। जैसे कि ये मेरे एक सीमेंट का पॉट है, ये मेरे बहुत पुराना पॉट है, इसके अंदर मैं एक प्लांट लगाया था तो अभी एक से देखिए मेरे इस पॉट के अंदर शायद 7 या 8 प्लांट बन चुका है। तो इसमें भी देखिए बहुत सारे अभी फ्लावरिंग हो रहे हैं और ये ब्लू वेराइटी है और इसको मैं थोड़ी सी सपोर्ट दे दिया हूँ ताकि ये ऊपर की तरफ चढ़ पाए, क्योंकि ये समर सीज़न वाले प्लांट है, मतलब मार्च से लेकर अप टू अक्टूबर तक फ्लावरिंग होते हैं, तो इसलिए आप प्लांट को फुल सनलाइट पे रखा कीजिए जहाँ पर सुबह की धूप इसके ऊपर गिरे, मतलब सुबह के 8 बजे से अप टू 12 बजे तक अगर सनलाइट इसको मिले तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करने वाले हैं। दोस्तों आप इसे बेलकोनीज पे भी रख सकते हो जहाँ पर दिन भर की 2 से 3 घंटे की धूप मिले, तो वहीं पर ये प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। बहुत कम वाटरिंग चाहिए होते हैं इसके लिए, आप दिन में एक बार वाटरिंग किया कीजिए इन समर सीज़न के दौरान, तो आपके प्लांट पे अच्छे खासे फ्लावरिंग हो सकते हैं। अगर बात की जाए मंथली फर्टिलाइज़र के बारे में, तो इसे मैं महीने में एक बार मास्टर केक लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ। इसके अलावा मैं किसी प्रकार रासायनिक खाद का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ। जैसे कि आपके सामने है, ये है मेरे अपराजिता के प्लांट्स। देखिए यहाँ पे मेरे कुछ प्लांट है जिसको मैं देखिए प्लास्टिक के कैरी बैग के अंदर ग्रो किया हूँ और मेरे प्लांट पे अभी फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। अपराजिता प्लांट पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए इसे टाइम टू टाइम पिंचिंग और प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए मैं बहुत सारे जगह से इसे पिंचिंग और प्रूनिंग कर दिया हूँ, तो इससे आपके प्लांट पे बहुत सारे नए नए से ब्रांचेस आएंगे और इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगा। तो आप आपके प्लांट पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हो तो इसे प्रिंचिंग और प्रूनिंग पूरे साल भर आप कर सकते हो। तो ये तो गया अपराजिता प्लांट के बारे में कुछ जानकारी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा।
वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।